हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ्रीली हैप्पी होंगे। तो फिर से मेरा एक चैनल पर स्वागत है, पेनको सक्कर के बारे में। आज का टॉपिक यही है, बहुत पॉपुलर फिश है ये, आम फिश है, हर एक्वेरियम में आपको मिल जाएगी ज़्यादातर, और हर आदमी इसको रखना पसंद करता है, और आपको हर दुकान में, हर स्टोर में इसकी फिशेज मिल जाएगी। बहुत कॉमन फिश है और बहुत पॉपुलर फिश है, और इसको गार्बेज डिस्पोजल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी फिश है एक्वेरियम में आल्गी क्लीन करने के लिए। अगर आपकी आपके एक्वेरियम डैम को आप क्लीन करना चाहते हैं, आपके एक्वेरियम के ग्लास को आप क्लीन रखना चाहते हैं, तो ये फिशेस को ज़रूर रखिए, क्योंकि ये बॉटम फीडर फिश है और वो सब कुछ ये खा लेती है जो अनईटन फूड है, जो आप फिशेस को फूड डालते हैं और फिशेस छोड़ देते हैं, उस फूड को नहीं खाते। जब फूड नीचे चला जाता है तो ये सक्कर फिश सबको खा, कैटफिश भी कहा जाता है ज़्यादातर, ये बस नीचे फिशेस बैठी रहती है, कभी भी जब लाइट कम हो। ये देखिए, ये फिशेस बहुत शाही फिश है, मैं आपको बता दूँ कि फिशेस बहुत शाही फिश है। जब ज़्यादा उजाला रहता है, यानी रोशनी ज़्यादा रहती है, लाइट जब ऑन रहता है, तो फिशेस एक्टिव नहीं रहती बल्कि बैठे रहती है, कभी भी नीचे रहती। जब आप फिशेस जब लाइट ऑफ कर देते हैं, रोशनी कम हो जाती है, तो ये फिशेस एक्टिव होती है, और ज़्यादातर ये फिश हाइड करना पसंद करती है। इसलिए आप अपने एक्वेरियम में हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखिए, क्योंकि ये हाइड करना पसंद करती है, शाही फिश है, और ये नाइट्रेट पैदा करती है फिश, ये पानी है, ये नाइट्रेट पैदा करती है पानी के अंदर। और ये फिश, मैं आपको बता दूँ कि और ज़्यादातर ये नाइट में एक्टिव रहती है, दिन में एक्टिव नहीं रहती, और ये सही रहती है। अगर आप इसको एक्टिव रखना चाहते हैं, इस फिशेस को, तो आप आपके लाइटिंग को डिम कर दें, जिसकी वजह से एक्टिव हो जाएगी, और थोड़े प्लांट्स भी ऐड करें, लाइव प्लांट्स या प्लास्टिक प्लांट्स, जिससे ये हैप्पी फील करे। और अगर आपके पास 1.5 फीट का टैंक है, तो उसमें सिर्फ एक ही सक्कर फिश डालें, क्योंकि जैसा मैंने बता दूँ कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आप दो सक्कर फिश एक टैंक के अंदर, छोटी टैंक के अंदर डालेंगे, तो ये आपस में लड़ भी सकती है, ये आपस में बैठी रहती है, एक दूसरे को घूरती रहती है, यहाँ तक कि इमीडिएटली अटैक कर देती है, और ज़्यादातर काम भी नहीं करती। अगर आप एक टैंक में 2 से 3 या 1 से 2 फिशेस डालेंगे, कैट फिश यानी सक्कर फिश, तो ये वर्क ज़्यादातर नहीं करेगी, आपस में लड़ेगी, क्योंकि ये टेरिटोरियल फिश है, टेरिटोरियल को पसंद करती है, अपनी जगह खुद बनाना चाहती है, दूसरों को पसंद नहीं करती अपनी जगह आने, मतलब सिर्फ कैट फिश के लिए, दूसरे फिशेस के लिए ये फ्रेंडली है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अगर आपके पास 1.5 फीट या 2 फीट का टैंक है, तो सिर्फ एक सक्कर फिश रखिए। अगर 3 फीट या 3 फीट से बड़ी है, तो आप 1 से 2 रख सकते हैं, 3-4 मत रखिए, क्योंकि ये फिशेस ज़्यादा पोटिंग बहुत ज़्यादा करती है। जैसा आप देखा होगा, बहुत से एक्वेरियम जो फिशेस को रख रहे हैं, देखे होंगे कि फिश पोटिंग बहुत ज़्यादा करती है। आल्गे तो क्लीन कर लेती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा पोटिंग भी करती है, ग्रेवल को ख़राब कर सकती है अगर आप 3 से 4 फिशेस को डालेंगे। इसलिए 2 फीट की टैंक है, 1 या 2 फीट की टैंक है, सिर्फ एक ही डालें। अगर 3 फीट से ज़्यादा है, तो सिर्फ 2 ही डालें, इससे ज़्यादा मत डालें। और पेनको सक्कर फिश बहुत से कलर्स में आपको मिल जाएगी, और ये बहुत जल्दी बड़ी होती है फिश, यहाँ तक कि 3 इंच से 2 फीट तक बड़ी हो जाती है फिश। और एक आप मेन इंपॉर्टेंट आप याद रखें, आप पेनको सक्कर फिश सिर्फ छोटी डालें, आपके फिशेस से छोटी रहे या उसके बराबर रहे, ऐसा डालें। अगर आप बड़ी फिशेस डालेंगे, जैसा 1 फीट की है, 6 इंच की है, 5 इंच की डाल देंगे, और छोटे फिशेस है, तो ये उस फिशेस को हर्ट भी कर सकती है, या उसके फिन्स को निपलिंग करती रहती है, जिसकी वजह से फिश मर जाते हैं। इसलिए ट्राई करें कि 3-4 इंच की फिशेस रखें। और पेनको फिशेस आपको हेल्प करेगी एक्सेसिव आल्गे ग्रोथ बनाने, रिमूव करेगी। और इसके फूड है, ये फूड आप जो भी है, ज़्यादातर ये आल्गे ईटर है इसे कहते हैं, लेकिन ये आल्गे के साथ साथ दूसरा फूड खाना भी पसंद करती है, सिर्फ आल्गे ही नहीं, बल्कि ये हंग्री भी होती है, दूसरे फूड भी खाना पसंद करती है, जैसा वेफर्स खाती है, और इसके जो आप ज़्यादातर इसको कुकमर भी डाल सकते हैं, ककड़ी किसे कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। अपनी की पिक्चर में आप दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये फिशेस खा रही है, वेजिटेबल भी खाना पसंद करती है।
और आप देख सकते हैं कि ये फिशेस ड्रिफ्टवुड को बहुत पसंद करती है, और ये अगर आप ड्रिफ्टवुड या कुछ वुड जैसी पीसेस के अंदर डालेंगे तो उसको चीव करती है, उसको पसंद करती है ड्रिफ्टवुड को। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार लाइव प्लांट्स को भी ये एल्गी फिशेस खाती है। मैं कहता हूँ कि हाँ खाती है, लेकिन सब प्लांट्स को नहीं खाती, थोड़े प्लांट्स को खाती है और उसी को अपना फूड बनाती है। और ये आपके ग्लास को भी क्लीन करती है। आप देखे होंगे जैसा घंटे घंटे आपके ग्लास को, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि घंटे घंटे ग्लास को लगी रहती है, आलगे जब जमा हो जाता है तो उसको क्लीन करती है। इसको बहुत चीप में मेंटेन कर सकते हैं, इस फिश को बहुत से बेनिफिट्स हैं। और ये फिश रह लेगी, इसके टैंक मेट्स कोई भी चल सकती है, ये टैंक इसके टैंक मेट्स कोई दूसरे नहीं है बल्कि कोई भी फिश इसके साथ रह लेगी। वेजिटेरियन के फिश के साथ भी रह लेगी और नॉन वेजिटेरियन फिश के साथ भी रह लेगी। एक स्कूल है बाकायदा, एक फिशेस की स्कूल है, मतलब ज़्यादा फिशेस हैं 4 से 5, तो उसके साथ हैप्पीली रह लेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फिशेस के साथ ये रह सकती है। और जैसा कि कहा कि डोंट कीप टू पिल्कोस इन वन टैंक, क्योंकि वो बहुत अटैक करते हैं, अब्रप्ट रहते हैं और सडन अटैक करते हैं एक दूसरे पर। अगर आप अपने पिल्को फिशेस को हैप्पीली रखना चाहते हैं, हेल्थी रखना चाहते हैं, तो ये 5 स्टेप्स हैं इसकी केयर के बारे में, हाउ टू केयर फिशेस पेल्को सकर फिश और हाउ टू कीप हेल्थी पेल्को सकर फिश। तो ये 5 स्टेप फॉलो करें। नंबर 1 है, आप उसको अच्छा फूड डालें, जैसा फिलेट्स है, क्यूकम्बर है, और ये आपको बता दूँ कि ये मीट भी खाना पसंद करती है। अगर आप चिकन या ऐसा कुछ मीट डालें तब भी ये खा लेती है, लेकिन छोटे पीस करके डालें तब भी ये खा लेती है, इसलिए आप इसको अच्छा फूड डालें। और दूसरा है, हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखें, दे नीड हाइडिंग स्पॉट्स, क्योंकि बहुत से फिशेस जो है डार्क प्लेस पसंद करती है हाइड होने के लिए, केव्स पसंद करती है, हाइड रहती है तो बहुत खुश रहती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत शाई फिश है, इसलिए ज़्यादातर ये फिशेस दिन में एक्टिव नहीं रहती, रोशनी ज़्यादा होने की वजह से शाई होकर एक जगह बैठ जाती है घंटे घंटे, यहाँ तक कि 8-10 घंटे तक बैठ ही रहती है। जब आप लाइट ऑफ कर देते हैं तो ये एक्टिव होकर जब अपना काम करती है। अगर आप इसको दिन में ही एक्टिव रखना चाहते हैं तो थोड़ा रोशनी कम कर दीजिए, डिमिंग कर दीजिए लाइट को, या रोशनी आना कम कर दें तो ये एक्टिव हो जाएगी। और तीसरा है, जैसा मैंने कहा कि 2 पेल्को फिशर एक छोटी टैंक में मत डालें। अगर आपके पास जैसा मैंने प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक दूसरे में लड़ भी सकते हैं, अब्रप्ट हो सकते हैं, सडन अटैक कर सकते हैं, या क्षय होकर एक जगह बैठ जाएंगे, तो मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि सिर्फ एक ही टैंक, एक ही फिशेस रखें। और चौथा ये है कि आप बड़ी फिश को ना लें, बड़ी फिश को इंट्रोड्यूस ना करें। जैसा कि मैंने कहा कि 3 या 4 इंच की जो फिश मिलती है वही ला कर डालें। आपको स्टोर में आप देख सकते हैं कि बड़ी से बड़ी भी मिल जाएगी, 1 फिट भी मिल जाएगी, 2 फिट की भी मिल जाएगी। ये बिल्कुल सकर फिश इतनी बड़ी ला कर ना डालें, क्योंकि ये क्या करती है, दूसरे फिशेस को भी हंगर ज़्यादा, ये फिशेस जो है बहुत हंगरी रहती है, दूसरे फिशेस से ज़्यादा इसका स्टमक बड़ा रहता है, जिसकी वजह से दूसरे फिशेस के आँखों को खा लेती है, कई कई बार उसके फिन्स को खा लेती है, कई कई बार फिशेस के जो ऊपर उसकी जो चमड़ी रहती है उसको भी सक करके खा लेती है। इसलिए आप बड़ी फिशेस के लिए छोटी फिश इंट्रोड्यूस करें, बड़ी फिश ना रखें। जब बड़ी हो जाए आपकी फिश, जो छोटी लाकर डालते हैं, अगर बड़ी हो जाए उसको निकाल दें, निकाल कर किसी को दे दें या एक्वेरियम स्टोर वाले को दे दें और छोटी लाकर डालें। इस तरह आप इसको रिपीट करते रहें। और 5वां यह है कि इस फिशेस को ना भूलें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इस फिशेस को भूल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी टू फॉरगेट फिश है। बहुत से लोग लाते हैं, डाल लेते हैं, भूल जाते हैं कि फिश किधर है। 3 घंटे में तो 16 से 12 घंटे तक फिशेस हाइट रखना पसंद करती है, हाइट रहती है। आप ट्राई करें, इस फिशेस को ऑब्जर्व करें, अगर ज़्यादा हाइट कर रही है तो उसको एक्टिव करने की कोशिश करें। एक्टिव करने का तरीका एक है कि डिमिंग करें और थोड़ा फूड डालें, अच्छा एक्टिव रखें, फूड प्रॉपर फूड डालें इसको। अगर इसको हैप्पी रखना चाहते हैं तो ज़्यादातर कुकुमर डालें, मीट डालें, जिसकी वजह से फ़िश हैप्पी रहती है। 5वां वीडियो बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं इसी तरह मेरे वीडियो चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, जैसे कि मैं बताया कि हर 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। देखिए, थैंक यू, बाय।